भद्रं कर्णे शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम क्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुमागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति नैन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमी स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। अथ हैनं कौसल्यश्च स्वलायनः पप्रच्छ। भगवन् कुत एष प्राणो जायते कथम् आयात्यस्मिन् शरीर। आत्मानं वा प्रविभज्य कथं प्रातिष्ठते। केन उत्क्रमते कथं बाह्यमभिधत्ते। कथं अध्यात्ममिति तस्मै स होवाच। अतिप्रश्नान् पृच्छसि ब्रह्मिष्ठोऽसीति तस्मात्तेऽहं ब्रवीमि। अथ इसके अनंतर पहला प्रश्न था कबंधी का, दूसरा प्रश्न हुआ था भार्गव का, और तीसरा प्रश्न है अश्वलायन का। कौशल अश्वल के पुत्र हैं अश्वलायन, कौशल्य उनका नाम है, कुशल हैं। इनका प्रश्न है, इन्होंने पूछा है पिपलाद ऋषि से, भगवन जिस प्राण की महिमा को बताया अभी अभी दूसरे प्रश्न के उत्तर में, यह प्राण कहाँ से पैदा हुआ। कुत एष प्राणो जायते, ये प्राण कहाँ से पैदा हुआ। अगर प्राण उत्पन्न हुआ है तो इसका कोई न कोई कारण भी होना चाहिए। ये प्राण फिर इस शरीर में कैसे आता है, किस प्रकार से इस शरीर में ये प्राण आया, और
तीसरी हमारी जिज्ञासा है कि ये प्राण ही स्वयं का विभाग करके इस शरीर में कैसे स्थित रहता है। भगवान, मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि ये प्राण कौन सी ऐसी विशेष शक्ति है जिसका आधार बना के शरीर से निकल जाता है, और यह प्राण शक्ति बाह्य जगत अधिभूत और अधदैव को कैसे धारण करता है, और छठा प्रश्न है भीतर अध्यात्म को कैसे धारण करता है। ये छह प्रश्न पूछे हैं। और आचार्य पिपलाद ऋषि ने कहा, तुमने प्रश्न तो पूछे हैं लेकिन अति प्रश्न पूछा है, अति प्रश्न पूछा है। अति प्रश्न यानी जिसका, जहाँ पर जिस प्रश्न का उत्तर देने में मन और बुद्धि समर्थ ना हो, उसको हम कहते हैं अति प्रश्न। आप गुड़ का स्वाद कैसा होता है इसका उत्तर दीजिए, तो आप गुड़ के स्वाद का उत्तर नहीं दे सकते हो। एक शब्द बोल सकते हो मीठा, मिठास गुड़ का स्वाद नहीं है, वो कुछ अलग चीज है। तो आप क्या कह सकते हो, मूक स्वादनवत, आप खाओ और अनुभव करके लेकिन कोई बार बार जिद ही करे नहीं, हमको बताओ गुड़ का क्या स्वाद होता है, तो हम कहेंगे अति प्रश्न है। क्योंकि जिसका समाधान बुद्धि के द्वारा नहीं किया जा सकता, अनुभूति कराई जा सकती है, उसको हम कहते हैं अति प्रश्न, अति प्रश्न। अब कोई ऐसे पूछ ले भाई जीवन क्या है, तो आप जितना भी उत्तर दोगे उसका सबका हम निषेध कर देंगे। बोलता है इसलिए ये जीवन है, चलता है ये जीवन है, खाता है ये जीवन है, क्रिया करता है ये जीवन, हम कहेंगे ये सब उसके लक्षण हैं। जीवन क्या है, जीवन क्या है, आप कह दो श्वास लेता है तो ये, हम कहते हैं श्वास ले रहा है वो उसका लक्षण है जीवन का। जीवन किसको कहते हो, तो आप इसको बुद्धि के द्वारा समाधान नहीं कर सकते हो, केवल लक्षणों को बता सकते हो, लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि ना तो प्रतिज्ञा मात्रेण, तो फिर वहाँ कहेंगे अति प्रश्न कर रहे हो, अति प्रश्न। ऐसे याज्ञवल्क ने गार्गी को कहा था अति प्रश्न कर रहे हो, अति प्रश्न। जहाँ अति प्रश्न माने जहाँ पर आपकी मन बुद्धि शांत होनी चाहिए, वहाँ पर अपनी मन बुद्धि को शांत रखो। सारी सारे नाम रूप कहाँ स्थित हैं, बोले मिट्टी में, पृथ्वी में। मिट्टी कहाँ स्थित है गुरुजी, बोले जल में। जल कहाँ स्थित है, तेज में। तेज कहाँ स्थित है, वायु में। वायु कहाँ स्थित है, आकाश। आकाश कहाँ स्थित है, महातत्व में। महातत्व कहाँ स्थित है, हिरणगर्भ में। हिरणगर्भ कहाँ स्थित है, ब्रह्म में। तो ब्रह्म किस में स्थित है भाई, जब हमारी पूछने की इतनी आदत पड़ी हुई थी तो हमने पूछ लिया, फिर ब्रह्म कहाँ स्थित पर है, तो कहेंगे अति प्रश्न है, तुम्हारा सिर गिर जाएगा, फिर तुम्हारा सिर कट के गिर जाएगा। तो ऐसे ही तुम यहाँ पर अति प्रश्न पूछ रहे हो, क्योंकि यहाँ पर अब प्राण के दो विभाग होंगे। प्राण का मुख्य रूप से अब आगे दो विभाग होगा, और वैसे तीन विभाग, एक अधिभूत, एक अध्यात्म और एक दैव, और तीनों को एक करके। तो एक प्राण क्रियाशील है, एक प्राण क्रियाशील है, सामर्थ्य देने वाला है जो उपास्य है, प्राण उपासना, और एक प्राण उसका अधिष्ठान है जो तत्व है। प्राणम ब्रह्म, कम ब्रह्म, खम ब्रह्म, है ना। तो एक उसके दो रूप होवेगा, और इसीलिए यहाँ पर अभी ये अति प्रश्न पूछा है तुमने, लेकिन चलो कोई बात नहीं, क्योंकि ब्रह्म को चाहने वाले हो इसलिए मैं तुमको बताता हूँ। ब्रह्मिष्ठो असि, ब्रह्म को चाहते हो इसलिए मैं तुमको उत्तर देता हूँ। इतना पढ़ा था। आत्मनयेश प्राणो जायते, आत्मनयेश प्राणो जायते, यथैषा पुरुषे छाया,
एतस्मिन् एतद् आततम् मनोकृतेन आयात्यस्मिन् शरीरे आत्मनः येष प्राणो जायते। अपने शुद्ध आत्मा से ही, क्योंकि सारा का सारा जगत अपनी आत्मा से ही उत्पन्न है, तो अपनी आत्मा से ही ये प्राण भी उत्पन्न हुआ। देखो पहले उत्तर हो गया ना, पहले प्रश्न का सीधा उत्तर, क्योंकि सारा जगत उत्पन्न हुआ किससे? आत्मा से। तो आत्मा ही इसका मूल अधिष्ठान है। कैसे? जैसे सारा का सारा स्वप्न हमारे मन से पैदा हुआ, तो फिर इसका मतलब कि प्राण हो जाएगा कार्य, प्राण हो गया कार्य और आत्मा हो जाएगा कारण। अगर ऐसा उत्तर दिया कि आत्मा से प्राण की उत्पत्ति हुई, तो आत्मा हो जाएगा कारण, और जो कारण होता है वो सअवयव होता है। जो कारण होगा वो विनाशी होगा, जो कारण होगा अल्प होगा, जो भी कारण होगा। तो फिर इसका मतलब जो है आत्मा भी विनाशी हो जाएगा, अल्प हो जाएगा, अवयववान हो जाएगा। अवयववान हो जाएगा तो अवयव गल सकता है, कट सकता है, तो नष्ट हो जाएगा। तो कहते नहीं, आत्मा कारण नहीं है, आत्मा से उत्पन्न हुआ लेकिन आत्मा कारण नहीं। कैसे? दृष्टांत से समझो, ऐसे नहीं समझ पाओगे। श्रुति भगवती कह रही, यथा येषा पुरुषे छाया, जैसे आप जब चलते हो तो किसी निमित्त के कारण, किसी निमित्त का, सूर्य देवता की रश्मियों के निमित्त से आपकी छाया बन गई। तो जो आपकी छाया बनी सड़क पर, वो छाया क्या है? फिर आपसे पैदा हुई कि नहीं? आपसे छाया उत्पन्न हुई कि नहीं हुई? अच्छा, शीशे के घर में प्रवेश कर गए, हजार टुकड़े वहां पे लगे हुए हैं, तो हजार आपकी छाया पड़ गई, तो हजार प्रतिबिंब आपसे बन गया, तो आप में कमी हो जानी चाहिए भाई। एक किलो सोने में से एक एक ग्राम हमने निकाल लिया, एक एक ग्राम निकाला और 1000 लोगों ने निकाला, तो कितना बचा सोना? फिर एक किलो सोने की हमारे पास सिल्ली थी, एक एक ग्राम 1000 लोगों ने ले लिया, तो उसमें अब बचा कितना? कुछ नहीं, यही ना। तो कारण है सोने की सिल्ली, तो उसमें से कार्य बना, तो कारण नष्ट हो गया, विनाशी हो गया। लेकिन अब आपके इसी शरीर से 1 करोड़ प्रतिबिंब बना शीश महल में, और लेकिन फिर भी आप ज्यों के हैं त्यों, आप से पैदा हुआ, आपकी छाया मात्र है, असल में आप से पैदा नहीं हुआ। आप से पैदा हुआ लेकिन असल में आप से पैदा नहीं, क्योंकि पैदा होने का मतलब आप समझते हो जन्म, उसका जन्म नहीं है, वो केवल छाया मात्र है। यथा येषा पुरुषे छाया, हाँ, ओ कभी देखना हो तो मुगले आजम का एक गाना सुन लेना, देखा होगा उसमें मुगले आजम का गाना था, वो अकबर बैठा रहता है और उसके दरबार में गाना होता है, तो तमाम शीशे का टुकड़ा होता है, ऐसा शीशे का टुकड़ा, उसमें हर टुकड़े में उसका जो है वो उसका नृत्य दिखता है हर टुकड़े में। लेकिन वो हीरोइन तो एक ही थी मधुबाला, वहाँ तो लाख हजारों की संख्या में दिखाई पड़ने लगा, तो वो सब क्या हो गई? छाया है। छाया, छाया माने जो जो उत्पत्ति जैसा लग रहा है वो असत्य है, और अधिष्ठान ही बिंब ही सत्य है। बिंब सत्य है और प्रतिबिंब बिल्कुल दिखते हुए भी, प्रतीति होते हुए भी वो बिल्कुल झूठ, किसी शीशे के निमित्त के कारण दिखाई पड़ने लगा उसे। हाँ, एतस्मिन् एतद् आततम्, एतस्मिन् इसी आत्मा में
जिस आत्मा से ये सारी छायाएं पैदा हुई, एतस्मिन, इसी आत्मा में एतद, ये सारा का सारा नाम रूपात्मक जगत अतत्तम समर्पित है, इसी में सब का सब समाया, उसी से सब प्रकट हुआ, उसी में समाया हुआ, किस में? उसी। अच्छा कैसे हो गया? अरे ऐसे समझ लो ना, कैसे समझ लो? अरे जैसे सपने में मैं घुस गया, सपने में मैं खुद के सपने में मैं घुस गया, और जब मैं अपने सपने में घुस गया तो वहाँ हाथी से डर लगने लगा मुझको, और मैं आगे आगे भागा और हाथी पीछे पीछे दौड़ाया। कभी कभी सपना बहुत बढ़िया दिखाई पड़ता है, और कभी बढ़िया सपना दिखाई पड़ जाए ना तो मन आता है यही देखते रहो, और कभी कभी इतना खराब दिखाई पड़ता है कि फिर यहाँ की धड़कन पूरा बढ़ जाती है। तो सपने में आप प्रवेश कर गए, सपने में आप भाग रहे थे, कैसे गए सपने में? आप तो लेटे हुए थे, आपका शरीर लेटा हुआ था, बिल्कुल खा पी करके लेटा हुआ था, कैमरा लगा के देखा था हमने, सीसीटीवी कैमरा लगा के देखा था, आप आराम से सोए थे, खर्राटे आ रहे थे, घोड़े बेच के सोए हुए थे, तो आप कैसे कहते हो कि मैं जंगल में घूम रहा था? कैसे गए थे? तो मनोकृतेन आयाति अस्मिन शरीरे, जैसे आप अपने स्वप्न में प्रवेश कर जाते हो, और स्वप्न में प्रवेश करके तरह तरह के सुखात्मक दुखात्मक परिस्थितियों की अनुभूति करते हो, उसी प्रकार से संकल्प मात्र से, मनोकृतेन संकल्प मात्र से आयाति अस्मिन शरीरे, इस शरीर में वो प्राण आ जाता है। वो जो याद है ना, दो प्रश्न था, पहला प्रश्न था कि कहाँ से पैदा हुआ प्राण, दूसरा प्रश्न था कैसे शरीर में आता, दोनों का उत्तर हो गया, दो उत्तर हो गए। भाष्य देखो, आत्मनः एक, देखो ये जो मंत्र है ना, तीसरा मंत्र, इसको पढ़ने के पहले मुंडक उपनिषद का एक मंत्र है, दिव्यो ह्यमूर्ता पुरुषः सबाह्याभ्यंतरो अजः अप्राणो अमनाः शुभ्रः अक्षरात् परतो परः, ऐसे है ना? तो वही देखो, दिव्यो हमूर्ता पुरुषा, वो परमात्मा कैसा, फिर उसी में आएगा एतस्माद् जायते प्राणो खम मनोब, ऐसे आएगा ना? हाँ, क्या है एतस्माद् जायते प्राणो, हाँ देख लेना, ओ वही। तो उसी मंत्र का यहाँ पर जो है आधार लेकर के उसका व्याख्यान है। पहले भी बताया था कि मंत्रोपनिषद इसका मूल है, और ये ब्राह्मण भाग का उपनिषद उसका व्याख्या, तो वो जो मुंडक श्रुति में प्रसंग आया है उसका यहाँ पर विस्तार है। क्या है? आत्मनः, ये जो दिव्य है, अमूर्त है, अक्षर से भी परे है, यह जो शुद्ध परम शुद्ध है, उसी आत्मा से, आत्मनः कौन, परस्मात् पुरुषात् अक्षरात् सत्यात्, कितने विशेषण दिए हैं आत्मा के लिए। देखो आत्मना, जिस आत्मा को मंत्र ने कहा आत्मना, आत्मा से, वो कैसा है? परस्मात् माने क्षर अक्षर दोनों से भी परे, पुरुषात् वही सब में व्याप्त है इसलिए पुरुष है, अक्षरात् जिसका कभी नाश नहीं होता, अविनाशी है, सत्यात् वो कैसा है? पर अब इतने विशेषण दिया यानी उसका ऐसा स्वरूप है। हाँ देखो इसका मतलब लगाओ, देखो आत्मनः मंत्र में है ना, तो परस्मात् वो परे है, सबसे परे है, तो सबसे परे कहने पर एक संभावना आ जाएगी कहीं सातवें लोक में तो नहीं, कहीं दूर तो नहीं, तो कहा नहीं, सर्वव्यापक है पुरुषात्, पुरुषात् माने पूर्णत्वात् पुरुषा, पूर्ण सब में व्याप्त है। अच्छा जब सब में है तो सबका शरीर मरेगा तो वो भी मर जाएगा, भाई सबका शरीर मरेगा तो वो भी मर जाएगा, सब में है तो कहते अक्षरात्, देखो ओ अक्षर है, कैसा अविनाशी है,
वही परम सत्य है। इसी आत्मा से उक्तः प्राणो जायते, वो जिसको कहा था वो प्राण प्रकट हुआ, पैदा नहीं हुआ बल्कि प्रकट हुआ छाया के जैसे। जायते शब्द कहा है, जायते का अर्थ उत्पन्न ही होता है, लेकिन अर्थ समझो उसका मतलब वह दिखाई पड़ने लगा। कथम इति यत्र दृष्टांतः, ये कैसे हो सकता है, आप इसको दृष्टांत से समझिए। तो वेद भगवान ने स्वयं दृष्टांत दिया, वेद भगवान के दृष्टांत क्या दिया, यथा लोके ऐसा पुरुषे शिरा पांड्यादि लक्षणे निमित्ते छाया नैमित्तिके जायति, तद्वत एतस्मिन् ब्रह्मण एतत् प्राणाख्यम छाया स्थानीयम अनृत रूपम तत्त्वम सत्य पुरुष आततम समर्पितम इति एतत् छाया इव देहे। यथालोके, जैसे इस लोक में, इस दुनिया में, ऐसा पुरुषा, ये जो तुम पुरुष बन के घूम रहे हो, मनुष्य स्त्री पुरुष, ये जो घूम रहे हो, मनुष्य माने क्या, अरे मनुष्य माने एक सिर होगा, हाथ होगा, और मान लो पुरुष, हमने कहा पुरुष माने कौन, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस होता है उसका तो सिर दिखाई, केकड़ा आकार तो उसका भी है। तो हमको पहले समझाना पड़ता है कि पुरुष कहने का मतलब क्या, जिसमें सिर होवे, जिसमें हाथ होवे, जिसमें पांव होवे, जिसकी नाक होवे, जिसकी आंख होवे, और जो जिसकी मुंह होवे, है ना, इन्हीं लक्षणों के द्वारा निर्धारित करोगे कि ये पुरुष है, क्योंकि लक्षणों के द्वारा ही तय होता है। तो सिर पांड्यादि लक्षणे, ये पुरुष का समझना, आपके मनुष्य का शरीर गड़बड़ ना समझ लेना। जैसे मनुष्य का एक शरीर हाथ पांव वाला जब चलता है तो एक निमित्त हो गया किसका, सूर्य का, प्रकाश का, उस निमित्त के कारण छाया नैमित्त की जायते, उस निमित्त के कारण आपके पुरुष के शरीर का एक प्रतिबिंब छाया पड़ने लगा, वो कौन सा है, नैमित्त की, हाँ, वो हमेशा रहने वाला नहीं है, हाँ, हाँ, वो उसका कोई विशेष, छाया क्यों पैदा हो गई, कब तक रहेगी, इसका कोई विशेष कारण है? नहीं, अभी छाया दिख रही और सूर्य देवता पे बादल आ गए तो, हाँ? अच्छा, जो छाया दिख रही है, एक दिन आप हाय हाय करना शुरू करो, हाय हाय मैं क्या करूं, मेरी छाया तो जो है नाली में चली गई थी, अब तो हमको गंगा स्नान करना पड़ेगा तभी पवित्र होऊंगा, कौन सी नाली में, कुकरेल नाली में, हाँ? तो नाली में छाया गई तो आप अपवित्र हुए। अच्छा, आपकी छाया बहुत मंदिर में चली गई और आप बाहर बैठे जूता सिर पे पीट रहे थे, लेकिन छाया चली गई मंदिर में, तो क्या हो गए आप, हा? पवित्र हो गए आप, बोले तब तो छाया अगर नाली में गई तो आप पवित्र नहीं हुए, छाया अगर मंदिर में गया तो आप पवित्र नहीं हुए। उसी प्रकार से इस छाया, अच्छा छाया को किसी ने लाठी मारा, आप क्या करोगे, आपके सिर पे लात रखा उसने, देख देख मैं तेरे सिर पे लात रखता हूं, हाँ, लेकिन कहां, जहां आप खड़े थे वहां से 10 मीटर दूर, क्योंकि छाया वहां पड़ रही थी। तो अब आप क्या करोगे, हाँ? लड़ोगे उससे, नहीं, तुम्हारे सिर पर लात रखा उसने ना, बोले छाया के ऊपर रखा है, मुझ पर वो केवल हमसे प्रतीति हो रहा था, असल में नहीं है। एक कोई सेठ जी, ये बड़ी पुरानी कहानी है, आप सुना था हमने बामदेव जी महाराज से, हाँ, तो वो पोथी में एक मंदिर बनवाए और अपनी बही में लिख गए कि आज आषाढ़ के महीने में और एकादशी के दिन और इतने बज कर के इतने मिनट पर हमने मंदिर के गुंबद में 1,00,000 असरफियाँ छुपाई है,
बही में लिख दिया। बच्चों को कभी विपत्ति आवे, दुख आवे, तो उसको निकाल ले मेंगे तो उनका चल जाए। और सेठ तो गए मर। और जैसे कई बार होता है कि बच्चे बढ़िया मेहनत करते नहीं और कहते हैं कुएं का पानी भी बाल्टी बाल्टी खींचते रहो तो ख़त्म हो जाता है, तो एक समय पर पैसा हो गया ख़त्म। अब सेठ के बच्चे चिल्लाए क्या करे, बही देखो कहीं पिताजी गाड़ के रखे हों। बही सब ढूंढी गई तो एक बही में लिखा हुआ मिल गया, बोले मंदिर के गुंबद में है, बस तोड़ो तोड़ो, दिन में मत तोड़ना नहीं तो लोग इकट्ठा हो जाएंगे। महाराज राज में रात में मंदिर का गुंबद तोड़ा, ठन ठन पाल कुछ नहीं मिला। अब वो रोज रात में खोदना शुरू कर दे, मंदिर में कहीं ना कहीं होगा। महीनों खोदा, एक पैसा नहीं मिला, परिश्रम ऊपर से हुआ। कोई एक महात्मा आए थे, वो महात्मा जी से कहा महाराज हमारे पिताजी ऐसा लिखे तो थे लेकिन नहीं मिला। महात्मा जी ने कहा दिखाओ बही, तो बही देखा महात्मा जी, तो उसमें जो लिखा था अषाढ़ का महीना और शुक्ल पक्ष एकादशी का तिथि वो सब, बोले ऐसा करो मैं तुमको खजाना दिला तो सकता हूँ, बता सकता हूँ। पूछा फिर गुरुजी दिलाओ दिलाओ, बोले ऐसे नहीं, तुमने मंदिर तोड़ा है वही से मंदिर बनाओ तो फिर चाहे मैं तुमको दिला दूंगा, चाहे कर्जा लो चाहे कैसे करो, वही से मंदिर ज्यों का त्यों खड़ा करो। अब वही मरता क्या न करता, कर्जा वर्जा लिया बच्चों ने और मंदिर को फिर महीनों चार महीना लग के फिर से बनाया। जब मंदिर फिर से वही से बन गया तब फिर गुरुजी को बुलाया, गुरुजी आइए आइए। गुरुजी ने कहा अभी टाइम नहीं हमारे पास में, अभी थोड़ा सा जो है जेठ का महीना चल रहा है, एक महीना बाद आएंगे। एक महीना बाद गुरुजी आए और जब आए तो साहब उनको बड़ा आरती फूल उतारी, क्योंकि अब माल मिलने वाला है। गुरुजी ने तमाम देखा, बही पत्रा मंत्र वंत्र पढ़ा। उन्होंने कहा आज आज जो है ना आज अष्टमी है, अष्टमी का दिन अशुभ होता है, अभी रुको दो दिन खिलाओ पिलाओ हमको। जब एकादशी का दिन आया जैसे उसमें लिखा था अषाढ़ का शुक्ल पक्ष एकादशी दिन में 11 बजे, जब 11 बजा तब गुरुजी ने देखा तो उस मंदिर के गुंबद की जहां छाया पड़ रही थी, गुरुजी ने कहा यहां खोदो, मंदिर का गुंबद मत तोड़ो, जहां उसकी छाया पड़ रही वहां खोदो। जब वहां खोदा तो उनको दबा हुआ मिल गया, है ना। तो भैया शास्त्र जो है ना वो जो लिखता है ना उसको समझने के लिए बहुत अकल चाहिए, ऐसे जल्दी अपने आप शास्त्र की बात नहीं। शास्त्र में लिखा हुआ है तो उसको समझने के लिए क्या होगा कि लिखा हुआ है तो आप समझोगे ये और उसका अर्थ निकलता है कुछ तो ये जो छाया रूप बनता है पुरुष से ये एक धूप के निमित्त से बना, लेकिन असल में इसकी कोई स्थिति नहीं है, इसके कटने पिटने से आप कटते पिटते है नहीं। उसी प्रकार से तद्वत एतस्मिन ब्रह्मणि, इसी ब्रह्म स्वरूप में एतत् प्राणाख्यम, ये जो इसको प्राण कहा गया है जिसको प्राण हम कह रहे हैं उसी ब्रह्म से, देखो यहां ब्रह्म शब्द प्रयोग किया है, वहां पहले मंत्र में था आत्मनः जायते, वहां मंत्र में आत्मा शब्द आया था ना और शुरुआत में, लेकिन यहां से ये कह दिया क्या एतस्मिन ब्रह्मणि, इसी ब्रह्म से यानी आत्मा और ब्रह्म की एकत्व, इसी ब्रह्म से ये प्राण एतत् प्राणाख्यम, ये प्राण का जिसका नाम है वो कैसा छाया स्थानीयम, वो छाया स्थानी पैदा हुआ, अनृत रूपम दिखता है लेकिन असल में है नहीं, अनृत रूपम तत्त्वम सत्य पुरुष आततम समर्पितम एतत्। अरे ये जो है उसी परम पुरुष से, ये जो छाया है उसी परम पुरुष में समर्पित होता है। तत्त्वम सत्य पुरुष आततम, उसी परम पुरुष में ये समर्पित भी रहेगा। अच्छा छाया आपसे अलग हो सकती है, मतलब छाया चाहे आपकी वहां दिख रही है पेड़ के पास में सड़क पर दिख रही है, लेकिन वो छाया दूर दिखते हुए भी समर्पित कहां है
आपके शरीर पर ना, उसी प्रकार से जितना प्राण बाहर दिखाई पड़ता है सब समर्पित उसी आत्मा में है। सत्ते पुरुषे आततम, आततम माने समर्पितम, उसी परम पुरुष में समर्पित। एतत् छाया इव देहे, ऐसी बात है समझ लो कि जैसे पुरुष के शरीर से छाया पड़ती है वैसे परम पिता परमेश्वर से ये रई और प्राण पैदा हो गए, है ना। अब याद रखना दोनों को लगे कौन पैदा हुए थे, रई और प्राण। हाँ, तो प्रश्न था कि प्राण कहाँ से पैदा हुए, तो आप उसमें रई को भी इंक्लूड करो। तो उसी परम पुरुष से ये प्रकृति और पुरुष, जड़ और चेतन, रई और प्राण, ये उसी परम पुरुष से छाया के जैसे प्रकट हो गए। और एक बार प्रकट हुए उसके बाद दुनिया का पसारा शुरू, स्वप्नवत फिर शुरू हो जाता है। अच्छा, फिर इस शरीर में कैसे आए, देखो मनो कृतेन मन संकल्प इच्छादि निष्पन्न कर्म निमित्तेन इति एतद् वक्ष्यति हि पुण्डेन पुण्यम इत्यादि। मनोकृतेन, मंत्र में मनोकृतेन शब्द है, तो मनोकृतेन का अर्थ है मन संकल्प इच्छादि निष्पन्न। अच्छा, मान लो धूप निकली है, धूप निकली है खूब बढ़िया, लेकिन आप कमरे से बाहर ही ना निकलो तो छाया कैसे बनेगी, कमरे से बाहर ना निकलो तो छाया कैसे बनेगी। अच्छा, छाता लगा के बैठ जाओ एक जगह पे, छाता लगा के एक जगह पे बैठ जाओ, अब छाया कैसे बनेगी, छाते की बनेगी ना, आपकी तो अब क्योंकि आप छाते के नीचे, तो आपके मन में संकल्प हुआ कि कमरे से बाहर निकल के जाऊं तब छाया बनी। ऐसे ही मन संकल्प इच्छादि निष्पन्न, ये मन के संकल्प से, अब याद करो उसने संकल्प किया मैं अकेला हूँ, है ना, मैं अकेला हूँ प्रजा के रूप में मैं पैदा हो जाऊँ, बस इस मन के संकल्प से ये सारी निष्पन्न। अच्छा, एक और, तो उसने संकल्प किया, उसने संकल्प किया, उसके मन से सब निकल आए और हम बेचारे यहाँ परेशान हैं, है ना, यही ना, तो हम लोग कौन सा इतने दुखी। तो महाराज जब आप ये बार बार कहते हो कि वो आनंद स्वरूप है, तो आनंद स्वरूप वाले ने फिर संकल्प दुख का कैसे किया, भाई चीनी से नमकीन वाला मिठाई कैसे बनेगी, केवल चीनी का यूज किया आपने तो उससे नमक कैसे निकलेगा। अगर वो सच्चिदानंद है, अगर वो ब्रह्म है, उसी ब्रह्म से प्रकट हुआ छाया के जैसे, तो ये दुखमय संसार कैसे हुआ। तो कहते हैं इस संसार में जो उसके संकल्प की सृष्टि बनी, इसमें अनेक जितने प्राणी हैं उनके अपने कर्म हैं, कर्म निमित्तेन इति एतद् वक्ष्यति, ऐसा बताया जावेगा आगे। उसने उसके संकल्प से उसके मन में इस पैदा हुआ, लेकिन जो आप पैदा हो गए उसकी सृष्टि में संकल्प में, आप क्यों, बोले अपने अपने कर्म, आपका कर्म है तो रो रहे हो, आपका कर्म फल दे रहा है तो प्रसन्न हो। एक दिन आपका कर्म बहुत अच्छा वो फल देने लगा तब आप आनंद में हो, दूसरे दिन कोई आपका कर्म आपको तकलीफ दे रहा है वो आप ही का कर्म, कर्म निमित्तेन इति एतद् वक्ष्यति, आगे बताया जा, वक्षित माने आगे बताया जा। तो जीव जितने आप सुखी दुखी हो रहे हो वो काय के लिए, आप समझिए पूरा का पूरा संसार उसका छाया मात्र है, संकल्प मात्र है। इस सारे संसार में जितने प्राणी आप पैदा हो गए शरीर उसके अंदर हो, लेकिन पैदा हुए अपने कर्मों के कारण, और वो अपना जो संकल्प मात्र से सबके भीतर प्रवेश कर गया। अच्छा, मेरे स्वप्न में 50 लोग बैठे थे, मैं सत्संग सुना रहा था, 50 लोग सत्संग में बैठे थे, उसमें
चार आदमी को समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था और चार आदमी को समझ में आ रहा था, है ना। तो जिनको नहीं समझ में आ रहा था और जिनको समझ में आ रहा था, उसका कारण कौन हुआ? हम नहीं, हमारे संकल्प में तो केवल स्वप्न की कल्पना हुई। नहीं समझ में आ रहा है तो उसका अपना कर्म है, और समझ में आ रहा है तो उसका अपना कर्म है। हमारे स्वप्न में ही एक हाथी ने किसी को कुचल दिया, वो मर गया। जो मरा वो संकल्प मेरा था, समझिए, मेरे संकल्प, मेरी सृष्टि में। लेकिन जो कुचला गया, उसमें कुचलते समय चिल्लाया, वो उसका अपना कर्म था। अब समझो, ये ब्रह्मा बाबा की सृष्टि है, और ब्रह्मा बाबा समझ लो सपना देख रहे हैं, भगवान वो प्रजापति ऐसे सपना देख रहा है जैसे तुम सपना देखते हो। और जैसे हमारे सपने में 50 लोग हो गए, ब्रह्मा के सपने में 700 करोड़ लोग हो उनके सपने में, और फिर आपका रोना हंसना सुख दुख हाय हाय मर गया बच गया ये सब चल रहा है, किसका कहाँ पर उनके सब। अच्छा, तो आप जिंदा हो कि नहीं? मेरे सपने में 10 आदमी चिल्ला रहे हैं तो उनमें प्राण है ना, तो कैसे? तो मैं ही अपने संकल्प से, मेरा मन ही उसमें प्राण बन के प्रवेश किया है ना। जिंदा तो है ना वो, तभी तो रो रहा है। उस बात को समझा कि स्वप्न में जितने जीव दिख रहे हैं वो सब के सब मेरे ही मन के संकल्प से जीवित हैं। इसी को समझो कि प्राण प्रवेश कैसे किया। तो आप सब में प्राण प्रवेश कैसे किया? उसके संकल्प मात्र से। मैंने पहले कहा था, जितना आगे चलते जाओगे उतना ही थोड़ा सा गंभीरता होती जाएगी। तो मनोकृतेन, मंत्र में है, मनः संकल्प इच्छादि निष्पन्ना, मन के संकल्प इच्छा आदि के कारण जो बना किसके, उस प्रजापति। और कर्म निमित्तेन, जीव के कर्म निमित्त के द्वारा, क्योंकि इस बात को आगे बताया जावेगा, ये तद वक्षति ही क्या पुंडेन पुण्यम इत्यादि। अगला मंत्र आएगा, आगे इसी में आएगा, जो पुण्य करेगा पुण्य लोग जाएगा, पाप करेगा तो उसको पाप का नरक जाए, वहाँ पर इस बात को बताया जावेगा। तो है संकल्प एक उस प्रजापति का, उसी के अंदर प्राण शक्ति उसी से सबको मिली है, लेकिन आपका सुख दुख आपके अपने कर्मों के। तदेव सक्ता सहकर्मणा इति च श्रुति अंतरात्, तदेव सक्ता, तदेव माने तद, तद एव अपने ही किए हुए कर्म के फल के लिए, क्यों अपना किया हुआ कर्म। अच्छा, अपना देखो, एक जो तदेव सक्ता है ना, तदेव सक्ता का समझिए कि इसका मतलब हुआ कि जैसे आदमी ने जो है, हमारे चंदोला जी और सब्जी लगावे, है ना, सब्जी लगाते हो और कोई दूसरा काट ले जावे रात में, तो पालक बोए हो और दूसरा काट ले गया, तो ऐसा हुआ नहीं लगता है? बड़ी कॉलोनी में रहते हो, काश गांव में रहते तो पता लग जाता। हाँ, गांव में रहते हैं तो दूसरे का खेत में कद्दू लगा है, रात में चुपके से आदमी कद्दू लौकी ये सब बाकायदा होता है कि नहीं? पपनमों में पहले होता था। हाँ, कद्दू इतना बड़ा हुआ पार कर दिया, लौकी बड़ी सी हुई कोई पार कर दिया। अरे ये जो सड़क पर जो सीवर का ढक्कन होता है लोहे का, इसको लोग उठा के बेचाते हैं और पौवा पीते हैं, है ना। तो जब आपने कोई कर्म किया तो उस कर्म के फल से आप आ सकते हो कि हमको ये फल चाहिए, हमको ये फल चाहिए। क्या होता है? अपने किए हुए कर्म के फल से चित्त हमारा आसक्त होता है, ये बृहदारण्यक उपनिषद का श्रुति है। हाँ, तो तदेव सह, जो आपका किया हुआ कर्म है, कौन, चाहे पाप और चाहे पुण्य, आपका चित्त उससे आसक्त होगा, और जब आपका चित्त आसक्त होगा तो शरीर छोड़ने के बाद वही आपके जीव को वहां पर पुंडेन, ये पुंडेन जो लिखा ना, पुंडेन पुण्यम आगे आएगा, ये उसी के साथ उसका उदाहरण दिया था। देव सह, जीव अपने ही कर्मों का फल पाने के लिए अमुक अमुक लोक में फिर वो
जाता है, वही जैसे कहते हो जैसा बोया है वैसा काटेगा, उसमें कौन सा जो है। तदेव सकता अपने, तदेव माने कर्म फल से आसक्त हुआ चित्त अपने कर्मों का फल भोगने के लिए उसी कर्म के द्वारा ले जाया जाता है। इति च श्रुति आयाति आयाति आगच्छति अस्मिन् शरीरे। अब इस प्रकार से वो प्राण इस शरीर में आया, दो प्रश्न हो गया, किस प्रकार से प्राण शरीर में आया, उस प्रजापति के संकल्प मात्र से। जैसे हमारे स्वप्न का जो जीव है जिंदा है, हमारे स्वप्न में जो 50 लोग चल फिर रहे थे तो उनमें जो प्राण दिख रहा है वो कैसा है, हमारे अपने ही मन के संकल्प से। उसी प्रकार से सारे प्राणी, दो प्रश्न का उत्तर हो गया। अच्छा, अब जब प्राण अंदर आ गया शरीर में, तो अब प्राण आ गया तो भाई वो रजोगुण है, उसमें क्रियावान है, तो जो क्रियावान होता है वो चैन से नहीं बैठता, उसको काम चाहिए काम चाहिए काम चाहिए, काम बताओ काम बताओ, नहीं तो तुमको खा जाऊंगा। हाँ, ऐसा होता था ना, कौन सा था वो, हाँ जी, हाँ वो निकला और वो काम बताओ, जो काम बताया झट से करके आ गया, फिर काम बताओ नहीं खाऊंगा, अब जितने काम था सब पूरा हो गया, अब तब अंत में उसने कहा अब क्या करूं, अब तो खाएगा क्योंकि काम ही नहीं है। तब वो गया गुरुजी के पास, गुरुजी ने कहा क्यों नहीं घबराता क्यों है, ऐसा कर एक सीढ़ी गाड़, सीढ़ी गाड़, सीढ़ी गाड़ दिया। अब बोले बस उस जब आवे तो उसको कह देना कि इस पर चढ़ और उतर चढ़ और उतर, ये काम है बिल्कुल, तो काम करो काम करो। तो अब ऐसे जो प्राण आ गया शरीर में तो आएगा तो काम करेगा, जब काम करेगा तो कैसे करेगा। अच्छा, प्रधानमंत्री जीत गए, उसके बाद फिर से नियुक्त हो गई, पुनः आप प्रधानमंत्री बनेंगे, तो उसके बाद अब क्या, अब वो विभागों का बंटवारा करेगा, हमको सरकार चलानी है देश चलाना है तो कैसे, तो वो मंत्रालय को बांटेगा और बढ़िया बढ़िया मंत्रालय अपने खास लोगों को देगा, अपने पास रखेगा, यही ना यही ना। तो ऐसे प्राण जब भीतर आया तो उसने अब राजा के जैसे बंटवारा किया। यथा सम्राडे वादिकृतान विनियुक्ते एतान ग्रामान एतान ग्रामान, आदितिष्ठस्व इति एवम एवैष प्राणः इतरान प्राणान पृथक पृथगेव सन्निधत्ते। यथा जैसे सम्राट राजा एव अधिकृतान विनियुक्ते अपने अधीनस्थ कई कई कर्मचारियों को सामंतों को नियुक्त करता है, क्या करता है, एतान ग्रामान इतना गांव तुम्हारे साथ में, इतने गांव की जमींदारी तुमको, एतान ग्राम इतने ग्राम की जमींदारी तुमको, ऐसे बंटवारा होता था। तो ऐसे ही राजा पहले पहले ये रजिस्ट्री पेपर नहीं होता था तुम्हारे लिए, ये अंग्रेजों ने इसको लागू किया रजिस्ट्रार के यहाँ पर, हमने देखा है एक एक रजिस्ट्री पेपर देखा है, एक आने की स्टैंप पेपर पे किसी के पुराने घर का, एक आने का स्टैंप पेपर पर रजिस्ट्री थी। हाँ, तो ये अंग्रेजों ने शुरू किया, और अंग्रेज जो 200 साल उसके पहले का आप कागज ढूंढो किसी का, वो राजाओं की संपत्ति थी, राजाओं के पूरा का, तो पूरी जमीन राजाओं की है, राजा ने कहा वो तीन गांव तुम्हारा, वो तीन गांव का वो लगान लेगा व्यवस्था करेगा, साल में एक बार राजा को आकर के, एक बार राजा को आकर के उपहार देगा, जैसे जैसे कौन गए थे नंद बाबा कंस को देने गए थे ना। तो अच्छा, राजा इसे करता था, अभी अब मंत्रालय समझ लो, तुम ये एतान ग्रामान अधिष्ठितस्व, यहाँ तुम रहो अधिष्ठित रहो, यहाँ के तुम अधिष्ठाता हो, ऐसे ये पीतर प्राण, ये प्राण
इतरान प्राणान पृथक पृथक एव, ये जो भीतर का एक मुखिया है, प्राण का एक मुखिया, वो अपने आप को पांच भागों में बांटता है और पांच भाग बांट करके कहता है तुम यहाँ पर रहना, तुम इस इंद्रिय को ताकत देना, तुम इस इंद्रिय को ताकत देना, ऐसे बंटवारा करता है सबको शक्ति। कितने भाग में बांटा उसने? प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, पांच। ये पांच मुख्य प्राण और पांच उप नाग, कृकल, कोर्म, देवदत्त और धनंजय, ऐसे कुल दस प्राण। तो मुख्य पांच, यहाँ पर पांच की चर्चा आएगी। अब ये सूत्र को याद रखना तो आगे के मंत्र आसान हो जाए। मंत्र का समझ में आया ना? बहुत आसान सा दृष्टांती है। यथा एन प्रकारेण लोके राजा सम्राट एव ग्रामादिशु अधिकृतान विनियुक्ते कथम। जैसे यथा माने जैसे, एन प्रकारेण जिस प्रकार से लोके समाज में राजा सम्राट एव, राजा ही सम्राट ही, ग्रामादिशु अनेक अनेक ग्रामों में अधिकृतान अधिकारियों की नियुक्ति करता है, उसी प्रकार से प्राण ने नियुक्त किया। कैसे? एतान ग्रामान अधिष्ठित अधितिष्ठत्स्व इति, जैसे वो राजा कहता है इतना ग्राम में तुम रहना, इस ग्राम में तुम, उसको पुराने जमाने में जमींदार बोलते थे, है ना। राजा अलग होता था और जमींदार अलग होता था। जमींदार माने दो तीन गांव का लगान वसूल के देता था, ऐसा कुछ था। तो ऐसे जो है एवं ये यथा दृष्टांता, जैसे ये दृष्टांत में बताया राजा वाले, एस मुख्य प्राण इतरान प्राणान चक्षुरादीन आत्मभेदांश पृथक पृथक एव यथा स्थानम सन्निधत्ते विनियुक्ते। इसी प्रकार से एस मुख्य प्राण, ये भीतर वाला मुख्य प्राण, इतरान प्राण, दूसरे जो प्राण है, अपान, व्यान, उदान और इनको सबको चक्षुराधीन, इसका गांव कौन सा है? जैसे वहां तो राजा ने गांव बांटा, यहां कौन? चक्षुराधीन इंद्रिय आदि भेदों को पृथक पृथक ये सबको अलग अलग जगह दिया। यथा स्थानम जगह जगह पे सन्निधत्ते तुम बैठो, उसने विनियुक्त किया, नियुक्त किया, पोस्टिंग कर दी, तुम यहां रहो, तुमको ये काम करना है। महाराज फिर अब थोड़ा और बताइए ना, फिर किसको कहाँ रखा गया था? यही ना, अब यही होगा ना कि फिर अगर उसने नियुक्त किया तो पांचों प्राणों में कहाँ कहाँ रखा गया और काम क्या क्या दिया गया सबको, कहाँ कहाँ रखा गया और क्या क्या काम दिया। तो अगला पांचों, पायोपस्थेय पानम चक्षु श्रोत्रे मुखनाशिकाभ्याम प्राण स्वयं प्रातिष्ठते मध्ये तु समानः एष हेतद हुतमन्नम समं नयति तस्मादेताः सप्तार्चिषो भवन्ति। पायु उपस्थे अपानम, अब इस मुख्य प्राण ने अपना विभाग किया था तो उसमें एक था अपान, अपान को उसने रखा कहाँ पर? पायु उपस्थ जननेन्द्री और मल द्वार पर। अपान तुम वहां जाओ, वहां रहो, काम क्या है? इस शरीर में जो अपकर्षण होगा त्याग का, वो त्याग कराना। तुम स्थान तुम्हारा अपान का कहाँ पर? पायु उपस्थे अपानम, यानी जिसका जो है कब्ज वगैरह रहती है तो अपान कमजोर है, उसका अपान ठीक से नहीं चल रहा, यही ना। अच्छा, बढ़िया बढ़िया वाला खुदे रखा इसने। चक्षु श्रोत्रे, चक्षु नेत्र, श्रोत्रे कान, मुख नासिकाभ्याम, मुख और नासिका, ये सबको कहाँ? प्राणा स्वयं प्रातिष्ठ, ये मुख्य वाला विभाग उसने खुद ही रख लिया, नेत्र, कान, मुख, नासिका, सबको स्वयं रख ला। हाँ, यानी बढ़िया बढ़िया वाला, जैसे प्रधानमंत्री बढ़िया वाला रख ले हुए अपने पास में। हाँ, बढ़िया कौन सा? गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय,
यही सबसे ज़्यादा बढ़िया होते हैं, और या तो HRD, तो ये सबका अपने पास रख ले वैसी। तो चक्षु श्रोत्रे ऐसे समझ लो कि नासिका ये तीन हो गया ज्ञान इंद्रियों का ना, चक्षु श्रोत्रे नासिका ये तीन ज्ञान इंद्रिय हो गया, तो ज्ञान इंद्रियाँ। और मुख कर्मेंद्रियों में जो है पायु उपस्थ अलग हो गया था, वहाँ अपान को रखा था, और मुख को जो है आप यहाँ पर वाक पाणी और पाद तीन था, तो वहाँ तीन में जो है वो प्राण को ले लो स्वयं। मध्य तु समान, अब प्राण ने मध्य भाग में किसको रखा, कहाँ, ये पेट की जगह पे, ये मध्य हो गया ना, आधा ऊपर आधा नीचे, बीच में कौन, वहाँ समान। इसीलिए असमान को काम क्या दिया गया, सुनो सब इकट्ठा करके मत रख लेना तुम, जो तुमको मिलेगा उसमें से थोड़ा थोड़ा बांटते रहना, सब इकट्ठा करके रखना नहीं। तो ऐसे ही एतद, ऐसे ही ये जो मध्य में समान रहता है वो एतद हुतम अन्नम, ये समान को जो हवन किया गया, कौन सा, सवेरे सवेरे क्या खाए थे, पकौड़ा चाय, यही आपका हवन हो गया। ये जो भीतर हवन किया हुतम अन्नम, अन्न को खाया, ये भीतर का जो समान है समम नयति, उसको सब बढ़िया बना करके उसमें से ताकत की चीज निकाल करके, और बराबर बराबर माने समम माने क्वांटिटी में बराबर नहीं, 10-10 ग्राम नहीं, जिसको जितना जरूरत थी उस हिसाब से सबको बंटवारा किया। तस्माद एता, और जब बंटवारा करता है तो इस समान वायु के कारण जब खाना पचा और उससे शक्ति मिली तो फिर भीतर से ज्वालाएं निकलती हैं। भाई आप कई बार होता नहीं अग्निकुंड में, और ऐसे डाल दो समिधा इकट्ठे तो चट चट की हवन निकलती है, तो ज्वालाएं, कौन सी ज्वालाएं निकलती, सात ज्वालाएं निकलती। तस्माद एता सप्तर्चिसो भवन्ति, सात फिर अर्चियां ज्वालाएं निकलती हैं, कहाँ कहाँ से, एक ज्वाला निकली आंख से, आपने रूप रंग देखा, हाँ यही ना, कौन सी आंख से देखा, दाई की बाई, दोनों से, चलो दो हो गए। अब कौन से कान से सुना, दोनों से, दो हो गए। कौन से नाक से सांस लिया, तो कितने हो गए। और कभी जीप लपलपाई तो तब ये सात सप्तर्षि हो गया, सप्तर्षि माने सात ज्वालाएं, ये सातों इंद्रियों को शक्ति प्राप्त होती, वो बांटवारा करता है। अच्छा वित्त मंत्रालय मान लो किसी को मिला, अपने देश में वित्त मंत्रालय मिला, तो सारा टैक्स उसके पास जाएगा, तो सब क्या करेगा, वो खुद रख लेगा। तब वित्त मंत्री का काम होता है बजट प्रेस करो, इतना रेलवे के लिए, इतना आपका जिस विभाग से कुछ आमदनी हमको नहीं मिलती लेकिन करना है किसके लिए, पुलिस विभाग के लिए। पुलिस से सरकार को जो है कोई टैक्स थोड़े मिल रहा है, पुलिस है, शिक्षा है, चिकित्सा है, आर्मी है, वहाँ से नहीं मिल रहा है, तो फिर वहाँ पर भी तुमको देना है जितना ज़रूरत है, तो उस प्रकार से बंटवारा करता है बेचारा। हाँ पढ़िए, थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। तात्र विभाग, इसका विभाग समझो, पायु उपस्थि, पायुश्च उपस्थश्च पायु उपस्थम तस्मिन, ये जो है उस इसमें समास है, उसको अलग अलग कर रहे हैं, वहाँ मंत्र में है ना पायु उपस्थे, तो उसको अलग, पायु उपस्थे माने पायुश्च उपस्थश्च, उपस्थ माने जननेन्द्री और पायु माने मलद्वार, ये दोनों, तो पायु उपस्थम तस्मिन, उसमें जननेन्द्री के स्थान पे मलद्वार पर। अपानम आत्म भेदम, प्राण ने अपना भेद करके बनाया एक बंटवारा, एक यूनिट बनाया, किसको, अपान को, और अपान को वहां बिठाया, क्या कह दिया, मूत्र पुरीष आदि अपनयनम कुरु कुरुवन तिष्ठति सन्निधत्ते, आप यहां से मूत्र पुरीष, मूत्र माने पेशाब, पुरीष माने मल आदि के निष्कासन तुम करते रहो, सफाई का काम करते रहो, सफाई नहीं होगी तो फिर सब खराब हो जाएगा, चाहे घर हो वे उसमें सफाई चाहिए, मन हो वे उसमें भी
और शरीर में भी सफाई चाहिए, सफाई का काम करने वाला बहुत काम का सन्निधत्त। अब तथा चक्षु श्रोत्रे, चक्षुश्च श्रोत्रम च चक्षु श्रोत्रम तस्मिन् च चक्षु श्रोत्रे, तो मंत्र में चक्षु श्रोत्रे शब्द है, उसका पूरा इसका व्याख्यान कर दिया। चक्षु और श्रोत्र, चक्षु श्रोत्रे चक्षुश्च श्रोत्रम च, नेत्र और कान, श्रोत्र माने कान, और इन दोनों में और मुख नासिकाभ्याम, यहाँ भी देखो समास है तो क्या कहेंगे, मुखम च नासिका च ताभ्याम मुखनाशिकाभ्याम च निर्गच्छन प्राणः स्वयं सम्राट स्थानीय प्रतिष्ठते प्रतिष्ठति। अब मुख और नासिका में जहाँ से आपका प्राणवायु आता और निर्गच्छन आता और जाता है, इनमें प्राण स्वयं, क्योंकि भाई सम्राट स्थानीय राजा है ना, तो राजा है सम्राट है, तो उसने यहाँ पर अपना आकर के सिंहासन लगा लिया, प्रातिष्ठते प्रतिष्ठति वहाँ रहने लगा, तो इनमें प्राण, ये प्राण का स्थान माना गया। आगे आगे समझ लेना, सब सबका स्थान अलग, प्राण यहाँ पर, अपान यहाँ पर, ब्यान यहाँ पर, उदान यहाँ पे, समान यहाँ, ये बहुत विस्तार में यहाँ पर बता रहे हैं पिपला ऋषि, बहुत विस्तार में है। मध्य तो प्राणापानयो स्थानयो नाभ्याम, देखो याद रखना, मध्य तो इसीलिए प्राण का स्थान हृदय माना जाएगा, प्राण का स्थान हृदय माना जाएगा, तो अपान का स्थान जो है वो मूलाधार पे, और यहाँ पर इसका जो है समान का स्थान कहाँ है, नाभि। देखो मध्य तो प्राणापानयो, प्राण और अपान के बीच में, प्राणापान पान अपान के बीच में जो स्थान है वहां पर कौन रह रहा है, नाभि की जगह में, नाभ्याम। मध्य तु प्राणापानयो स्थानयो नाभ्याम, तो ये मध्य में कहां प्राण और अपान दोनों के बीच में कौन रह रहा है, अपान नीचे गया, प्राण ऊपर कर देख रहा है, तो बीच में कौन रह रहा है, अब समान कहां, नाभि पर। समानो असितम पीतम च समम नयत इति समान, इसका नाम समान क्यों रख दिया भैया, इसका नाम समान क्यों रखा, तो समान इसलिए रखा असितम पीतम च, आपने कुछ खाया और कुछ पिया, असितम माने खाए और कुछ पिए, जो खाया और पिया उसको समम नयति, हिसाब से सबको बराबर बराबर, जिसका किसी से राग द्वेष नहीं है, बंटवारा करता है, इसीलिए इसका नाम हो गया समम, समम नयति। अभी और एस ही यस्माद एतद हुतम भुक्तम पीतम चा आत्माग्नो प्रक्षिप्तम अन्नम समम नयति तस्माद असित पीत इंधनात् अग्नेः औदार्यात् औदार्यात् हृदय देशम प्राप्ताद एता सप्त संख्या का अर्चिसो दीप्तयो निर्गच्छन्ति भवन्ति। एष ही कौन या समान, यस्माद एतद हुतम, वहाँ धा है ना, क्या छपा है, हुतम ही हाल छपा है, धा होना चाहिए ना, छपा होगा धा है, हा संधि हो गई वहां संधि। हुतम माने जो इस जैसे अग्नि में आहुत देते हैं, तो भीतर जो जठराग्नि उसमें जो आपने आहुति दिया, हुतम कहां पर, जहां समान है वहां पर एक अग्नि है जठराग्नि, उसमें आहुति दिया, फिर भुक्तम खाए आप, पीतम पिए कहां पर, आत्माग्नो, यहां आत्मा का अर्थ हो गया जठराग्नौ, वहां पर जो प्रक्षिप्तम अन्नम, जो आपने अन्न डाला वहां पर, समम नयति उसको बराबर बराबर ले जाता है। तस्मात करता क्या है, असित पीते, असित पीत, असित माने खाया हुआ, पीत माने पिया हुआ, इंधनात अग्ने, जैसे अग्नि में आपने डाल दिया था जौ तिल आदि, उसी प्रकार से यहां पर जो डाल दिया उसी प्रकार से सबको ये हृदय देश में बंटवारा करके और ऊपर की तरफ पहुंचाता है, हृदय की तरफ। अब इसको मेडिकल साइंस में क्या होगा, हृदय की तरफ माने ब्लड में मिलके जाएगा ना, और ब्लड का जो है पंपिंग का काम
हार्ड कर रहा है। देखो हृदय देश, देखो भगवान भास्कर कैसे लिखते हैं, जैसे इंधनात इंधनात अग्नि, जैसे ईंधन अग्नि में डाला उसी प्रकार से यहाँ डाला पेट में। तो औदर्यात माने उदारता पूर्वक, रख नहीं लेता सर, हाँ सब, हाँ वो करता क्या है, हृदय देशम, हृदय देश को पहुँचाता है प्राप्तात। और जब हृदय देश में गया तो सप्त संख्या का आह, सात संख्या वाली अर्चियां उससे दीप्तयो प्रज्वलित होती हैं, निर्गच्छन्तय उससे निकलती, सात फिर दीप्ति निकलती है, सात प्रकार के अन्न उससे उसकी ज्वालाएं निकलती हैं। कौन कौन सी, शीर्षांड्य प्राण द्वारा, शीर्षांड्य प्राण द्वारा दर्शन श्रवण आदि लक्षण रूपादि विषय प्रकाशाह इति अभिप्राय। ज्वालाएं कैसे निकल रही हैं, तो सातों ज्वालाएं से, कहां पर सब हैं सातों ज्वालाएं, गर्दन के ऊपर, शीर्षांड माने ऊपर, किसके, गर्दन के ऊपर कहां पर हैं, और वहां अब ऊपर रहता कौन है, याद है, प्राण, ऊपर बैठा था ना प्राण, हाँ वो सब का सब प्राण मुख नासिका इत्यादि में जगह बना के बैठ गया था ना स्वच्छोत्र में। तो ये समान ने यहाँ पर काम किया, वही वित्त मंत्रालय ने वित्त ने इकट्ठा किया और दिया किसको, सरकार को, और सरकार ने जो है तुरंत एक कैबिनेट में बैठ करके निर्णय ले लिया कि अमुक अमुक राष्ट्र में जो है वो सुनामी आई है उसको 10 अरब दिया जा रहा है। लो इकट्ठा किया बेचारा हमारा यहाँ वित्त मंत्रालय ने, और एक एक झटके में सब वो जो है उधर पास कर दिया। तो वैसे ही देखो तो, हाँ प्राप्तात एता, जब ये हृदय देश को प्राप्त हुआ वहाँ से फिर प्राण रहता है सप्त संख्या वाला अर्चिसो, वहाँ से निकलता है दीप्तयो निर्गच्छन्ति भवन्ति, कहाँ, गर्दन के ऊपर से शीर्षाण्य प्राण द्वारा। करते क्या है फिर, करते क्या, दर्शन, हाँ भाई दो नेत्र थे उनका काम हो गया दर्शन, दो कान थे उनका काम था श्रवण आदि लक्षण, रूपादि विषय प्रकाशा, फिर नासिका का काम अपना था कि श्वास लेना, जीवा का काम अपना था फिर बोलना इत्यादि, विषय प्रकाशा अपने अपने विषयों को प्रकाशित करते हैं। इस प्रकार से ये आपके भीतर क्रियाएं चलती रहती हैं। अभी अभी प्राण के जो है तीनों रूप का वर्णन हुआ है, प्राण अपान और समान, अभी दो रह गए हैं ना, व्यान और उदान अभी दो रह गए, लेकिन अभी ये जो बंटवारा करता है कैसे करते हैं बंटवारा, ये हमने तो खा पी करके हम तो लेट गए महाराज, क्या बड़ी मशीन है, वरुण जी की फैक्ट्री में अगर हम चले जावे ना तो आवाज नहीं सुनाई पड़ती, इतना मशीन चलती रहती घाड़ 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 सब जगह पर, ये यहाँ आराम से बैठे हैं, तो ऐसे आप तो खा पी के लेट गए और उसके बाद भीतर जो मशीन चलनी शुरू होती है अंदर हाँ तो फिर गुड़गुड़ाएगा तो आप तो खा पी के लेट गए और अंदर अब अंदर की मशीन शुरू होती है फिर, तो अब कैसे बंटवारा होता है, तो भाई पेट ने पचाया, पेट ने पचाया उसने बंटवारा किया, कैसे बटा सब, तो अगला मंत्र ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः।